नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ SIDBI के बारे में। तो यहाँ पे SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बैंक में आपको जॉब मिलेगा, और वो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में काम करने वाला बैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। इस बैंक में आपको टोटल 100 पोस्ट दिया गया है, और वो भी Grade A के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान से इस पोस्ट को देखिए, इस जॉब को देखिए, और उसके बाद अप्लाई करिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई का करने का प्रोसीड्योर, नोटिफिकेशन के डिटेल्स, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने वाला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जॉब मिलेगा। 100 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज में आप देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए आपको पोस्ट दिया गया है, और साथ ही साथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 21 से 28 ईयर्स तक, OBC के लिए 21 से 31 ईयर्स तक, एंड SC/ST के लिए 21 से 33 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसीडर रहेगा वो टोटली रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इस दोनों के माध्यम से सिलेक्शन हो पाएंगे। तो इस दोनों के माध्यम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो करीबन 28,000 से 70,000 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन का जो फीस है वो जनरल के लिए 1,100 रुपीज़, SC/ST के लिए करीबन 175 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन चार्जेस SC/ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, मगर जनरल OBC EW के लिए बहुत ज़्यादा है। 1,100 रुपीज़ एक स्टूडेंट के लिए पे करना बहुत बड़ा, मतलब एक इम्पेक्ट तो जरूर लाते हैं। तो आप भी इस बात में एग्री है तो मुझे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो बैचलर डिग्री के लिए इन लॉ के लिए LLB पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आप मास्टर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री कर चुके हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप CA, CS, CWA, CFA, PhD कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये सारे पोस्ट आपको दिया गया है, सारे कैटेगरीज आपको दिया गया है, इस कोई भी एक कैटेगरी से आप क्वालिफाइड हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब के जो लास्ट डेट रहेगा वो 3 जनवरी, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका नोटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दे चुके हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर भी मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा, इस जॉब को पाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, जाकर लिंक चेकआउट करिए, उसके बाद आप टेलीग्राम को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन के जो डेटा मैं आपको दिखाया हूँ वही डेटा आपको मिलेगा, वही पोस्ट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे पोस्ट के कौन सा है, कौन सा कैटेगरीज में कितने वैकेंसीज है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस अप्लाई बटन में क्लिक करना, तो अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई इस बटन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर बटन आएगा, तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे 5 स्टेप है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, रिव्यू, अपडेट, पेमेंट, ये 5 सॉरी 6 स्टेप है। इस 6 स्टेप को आपको फिलअप करना होगा, तभी आपको फाइनल फॉर्म सिलेक्शन, मतलब फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।